हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं उत्कर्षा। हर रोज की तरह आज भी बॉलीवुड राउंडअप में मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज के दिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही टॉप 5 खबरें। कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के कारण कई लोग बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में काम की कमी के कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े डांसर्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन कलाकारों की मदद की जिम्मेदारी अभिनेता अक्षय कुमार ने उठा ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अक्षय ने 3,600 डांसर्स को हर महीने मुफ्त में राशन मुहैया कराने की जिम्मेदारी ली है। इस बात की जानकारी कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने एक इंटरव्यू के दौरान दी। इसके अलावा एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी कुछ ऐसे ही कारणों से चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने अपने पति विराट कोहली के साथ मिलकर आयांश गुप्ता नाम के एक बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन दिलाने में मदद की है। ये बच्चा एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था। सलमान खान की फिल्म राधे को खराब रिव्यू देकर क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी KRK फंस गए हैं। दरअसल KRK के खिलाफ राधे की टीम ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद KRK ने ट्वीट करते हुए दी है। KRK ने सलमान पर गुस्सा जाहिर करते हुए कह डाला है कि मानहानि का केस आपकी हताशा और निराशा का सबूत है। मुझे रिव्यू करने से रोकने के बजाय आपको एक बेहतर फिल्म बनानी चाहिए थी। इसके अलावा KRK ने अपने पोस्ट में आगे से सलमान की किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं करने का वादा किया है। टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड तस्वीरें शेयर करने को लेकर चर्चाओं में है। वहीं अब वो अपने एक डांस वीडियो की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। आरती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अभिनेत्री श्रीदेवी के मशहूर गाने हवा हवाई पर डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में आरती के साथ एक्ट्रेस फरहीना परवेज भी दिख रही हैं। आप भी देखें ये मजेदार वीडियो। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने फैंस से बधाई मांगी है, जिसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं बीते कल 2 बजे सोई थी और आज सुबह 10 बजे उठी हूँ। ये 1.5 महीने में पहली बार हुआ है जब मैं सुबह 6 बजे के बाद तक सोती रही। ये मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ को लेकर सबसे बड़ी सफलता है। प्लीज मुझे बधाई दीजिए। बॉलीवुड की स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली सुष्मिता सेन ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में बताया है कि 45 की उम्र में भी वो बड़ी गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से वो कई बार हर्ट भी हो जाती हैं। सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम पर किए गए एक लंबे पोस्ट के जरिए कई ऐसे सवालों का जवाब दिया है जो लोग उनसे अक्सर पूछते हैं। उन्होंने लिखा कि लोग पूछते हैं कि क्या मैं कभी छुट्टी लेती हूँ, तो मेरा जवाब है हाँ, बेशक लेती हूँ। क्या मैं हर वक्त पॉजिटिव रहती हूँ, तो मेरा जवाब है ना, क्योंकि मैं कई बार कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं रह पाती। 45 की उम्र में भी मैं कुछ ऐसी चीजों के चुनाव में बड़ी गलतियां कर देती हूँ, जिससे मुझे बाद में बहुत दुख होता है। तो ये थी आज की बी टाउन की टॉप 5 खबरें। ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।